हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 जैकबोर्ड, आज हम लोग लेके आए आपके लिए मॉडल सेट पेपर का आंसर की इंग्लिश कोर के लिए। तो जो भी बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के हैं जिन्होंने इंग्लिश कोर रखा है, तो इस वर्ष जो मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट जारी हुआ है और इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ये मॉडल सेट। तो आप ध्यान देंगे कि आपको समय मिलना है 1 घंटा और ये 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो कि पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है। तो शुरुआत में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिलता है और इस कम्प्रीहेंशन के नीचे आपको यहाँ पे मिलते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला 5 क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रीहेंशन से है और ये आप सुनिश्चित करेंगे कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर आप कम्प्रीहेंशन को करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में क्या दिया हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रीसेंट ईयर्स एज अ वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बताया गया है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया गया है। तो एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अलग अलग उदाहरण बताया गया कि कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसको आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो अंडरलाइन कर लेंगे, जब भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते चले। द सोर्सेज आर कंसिडर रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन रिप्लेनिश नेचुरली। इनको इसलिए रिन्यूएबल कहा जाता है क्योंकि उसको दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो है, पेट्रोल, डीजल, एक बार जो जल गया वो दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। और जो आपका फॉसिल फ्यूल्स है उसको बनने में मिलियंस ऑफ साल लगते हैं और बहुत ही लिमिटेड है। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, इन सब का फ़ायदा ये है कि ये नुकसान नहीं पहुँचाता है हमारे वातावरण को। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ना तो ये कार्बन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करता है, विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ना ही ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक जहरीले गैस पैदा करता है। अनदर एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलायबल एंड स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा फायदा यह है कि ये भरोसेमंद है, रिलायबल और स्टेबल है, मतलब हमेशा उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कैन ऑपरेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरेक्शन एंड सोलर पैनल्स कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इवन ऑन क्लाउडी डेज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बादल हो चाहे जो भी मौसम हो, आपको यहाँ पे एनर्जी मिलती रहती है। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एज टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स आर अचीव्ड। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इसका जो है क्षमता बढ़ता जाएगा, ये सस्ता होता जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगे के लिए। तो फर्दर इसको अच्छे से समझ लेने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये देखते हैं क्या है। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायो मास आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश सोर्सेस। तो ये बहुत ही आसान है, वन का आंसर ए होगा, रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर टू है, वाट मेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। क्या चीज़ है जिसको बनने में लाखों साल लगते हैं और जो सीमित है। तो हमने ऊपर पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स, नंबर बी। तो वन का ए, टू का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हम यहाँ पे देखते हैं हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट। इसमें से कौन सा हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, नंबर डी जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये हार्मफुल है। नंबर फोर देख रहे हैं, व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। तो नंबर सी आंसर है फोर का, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये पर्यावरण के लिए मददगार साबित होता है। नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। तो जनरेट का सिनोनिम क्या है। तो इसका सिनोनिम है तुम्हारा प्रोड्यूस। ठीक है, तो फाइव का आंसर हो गया बी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं रीडिंग सेक्शन का 5 क्वेश्चन आके जाता है। अब आता है आपका रीडिंग सेक्शन में समरी राइटिंग और नोट मेकिंग से क्वेश्चन। तो अभी तक कम्प्रीहेंशन बेस्ड था, अभी है नोट मेकिंग और समरी राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, एब्रीवेशंस आर फ्रीली यूज्ड।
मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशन मतलब क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म्स कहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, नोट मेकिंग। तो जब भी हम नोट बनाते हैं तो वहाँ पे कोई भी एब्रीविएशन, जैसे एंड के लिए हम ये सिंबल यूज़ करें, विथ रेफरेंस टू के लिए हम WRT यूज़ करें, तो ये सब अलाउड है। कहाँ पे? सिर्फ नोट मेकिंग में, बाकी जगह नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द समरी ऑफ अ पैसेज कंटिन्यूज। तो कोई भी समरी है किसी भी पैसेज का, उसमें क्या होता है इसमें से? तो नंबर ए होगा आपका मेन आइडिया, समरी में मेन आइडिया रहता है, बाकी सब को इग्नोर करेंगे। फॉर्मेट भी ठीक ठाक है, बट बेस्ट आंसर है आपका मेन आइडिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। तो कोई भी फॉर्मल लेटर्स का रिसिपिएंट को हम कैसे एड्रेस करते हैं? तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे डियर सर या मैडम होता है आपका, सिर्फ सर या मैडम होगा तो वो भी सही होता है, पर हेलो सर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। तो लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? तो आसान सा आंसर है नंबर ए, न्यूज़पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम जब चले तो यहाँ देखते हैं, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। तो राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन सभी चल रहा है आपके सामने, रिपोर्ट राइटिंग में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार बोर्ड एग्जाम में, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कमेंट्स, तो पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज डन इन। तो कोई भी रिपोर्ट जब हम नरेट कर रहे होते हैं, सुना रहे होते, लिख रहे होते, तो वो किस फॉर्म में चलता है? तो 11 का राइट आंसर है सी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ये पिछले बार भी आपका 11 बोर्ड एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो कोई भी आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो किस बारे में होगा? राइट आंसर है ए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो जो भी टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिकल में। अगले क्वेश्चन में आते हैं 13 में, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कंक्लूजन में क्या हो सकता है? सजेशन, रिमेडियल मेजर्स, ऑर्डर। तो ऑर्डर तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कट हो जाएगा, और ए और बी सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। हम सजेशन भी देते हैं और कैसे सुधार करें ये भी बताते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं ग्रामर में, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में आपको देखना है कि क्या कहा गया है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस का टुकड़ा उल्टा सीधा आगे पीछे करके तोड़ मड़ोड़ के परोसा जाता है, और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज को सजाते हुए एक सही सेंटेंस बनाना होता है। तो अब जब यहाँ पे सेंटेंस आप देखेंगे तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ी दिखेगी, और एक सेंटेंस दिखेगा जो बिल्कुल सही है। तो वो एक सेंटेंस कौन सा बिल्कुल सही है, जिसमें कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का एरर नहीं है? तो आपको यहाँ पे दिखेगा 14 का बी, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया। 15 को देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे है, तो 15 का राइट आंसर है आपका ए, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रामेटिस्ट ग्रेटेस्ट इन द शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, ऐसे सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इसका कोई सर पैर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को रिजेक्ट करना होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं ग्रामर में ही है, ब्रेड एंड बटर आर आर डेली ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आपको चुनना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के तहत कि कौन सा आंसर सही है। तो लगेगा एक बार में ब्रेड एंड बटर आर सही है, लेकिन नहीं, यहाँ ब्रेड एंड बटर को एक माना जाता है, आर गलत हो जाएगा, इसी का पास्ट टेंस वेयर है, ये भी गलत हो जाएगा, और हैज़ तो यूज़ ही नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर होगा इज़। तो एक बात याद रखेंगे, जहाँ पे दो चीज़ मिलके एक सेंस दे रहा हो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है इज़। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, आई फेल व्हेन आई द रोड। तो व्हेन आई के बाद क्रॉस, क्रॉस्ड, इज क्रॉसिंग नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेल है, फेल पास्ट टेंस है, और पास्ट के साथ क्रॉस नहीं चलेगा, और आई क्रॉस्ड भी गलत हो जाएगा, ये सेंस नहीं दे रहा है। इज तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर है आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था मैं गिर गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेंस का सामंजस्य बैठाना पड़ता है।
18 में आपको मॉडल से क्वेश्चन है, मॉडल वर्ब से, यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश, ठीक है। तो कोई भी विश वाला चीज़ जहाँ पे आता है कि भगवान आपका भला करे अगर आप चाहो, कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे मे का यूज़ होता है। तो 18 का ए राइट आंसर है। 19 में आते हैं, डैश यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है, और क्षमता जहाँ भी पूछा जाए वहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, जहाँ से लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है। तो लिटरेचर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिग गर्ल इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रेफर्स टू, यहाँ पे जो बिग गर्ल है फोटोग्राफ पोएम में, जहाँ पे एक बड़ी लड़की थी उसके बगल में बैटी और डॉली दो कजन्स थे, तो बीच वाली बड़ी लड़की कौन है। तो राइट आंसर है बी, पोएट्स मदर, माँ की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई है पोएट ने कि ये उनकी माँ थी जब उनका उम्र बहुत कम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बिन मैंशनड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। तो लेबरनम टॉप जो पोएम है वहाँ पे किस महीने का जिक्र है। तो आप वहाँ पे लाइंस पढ़ेंगे, स्टार्टिंग लाइंस में आपको दिख जाएगा सितंबर, येलो सनलाइट, ठीक है। तो सितंबर मंथ है, 21 का राइट आंसर सी। 22 में आता है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड। तो वॉइस ऑफ द रेन पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है डी, वहाँ पे बारिश बातचीत करती है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन 23 में आता है, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, अपना खोया बचपन इंसान कहाँ खोज सकता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो राइट आंसर हो जाएगा इन एन इन्फेंट्स फेस, तो एक छोटा बच्चा जो है उसके चेहरे में मिल सकता है। तो 23 का राइट आंसर है सी, द फेस ऑफ अ चाइल्ड। 24 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक्स लाइक स्ट्रेंजर्स, तो इस कविता में स्ट्रेंजर के जैसा कौन बात करते हैं। तो राइट आंसर स्टार्टिंग में ही है, नंबर ए, फादर एंड सन। क्वेश्चन 25 में आते हैं, व्हाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर एकम्पनी टू हिज स्कूल, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, वो उसको स्कूल तक क्यों लेके जाती थी, ठीक है। तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा ए, बिकॉज इट वॉज अटैच्ड टू टेम्पल। तो हमें पता है कि उसके मम्मी पापा शहर में रहते थे, दादी मंदिर जाती थी सुबह सुबह, तो अपने पोते को लेके जाती थी स्कूल जो कि मंदिर के बगल में ही था। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग पहुंचे हैं, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, राइट आंसर है रिलीजन बेस्ड, नंबर सी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे साइंस की बातें हो, म्यूजिक की बातें हो। म्यूजिक उनको लगता था हेरलॉट, मतलब वेश्याओं के लिए, अच्छे घर के लोगों को नहीं सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉर्निंग देयर सी सर्फिंग स्किल्स, कितना समय लगा उनको अपना समुद्र का डर खत्म करने के लिए, ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 ईयर्स, ठीक है। 28 में आते हैं, हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउदर्न इंडियन ओशन, किन लोगों ने ज्वाइन किया था गॉर्डन कुक को और उनकी वाइफ की मदद करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का डी, जी हाँ, यहाँ पे लैरी विजिल और हर्ब सीगलर दोनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 में, द टूम ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर किया था। तो जाही हवास यहाँ पे आए थे ज़रूर, पर इसका खोज जाही हवास ने नहीं किया था, इसका खोज किया था हॉवर्ड कार्टर ने 1920s में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर बरीड इज नोन एज, तो जो इजिप्ट के फैराओ हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनको जहाँ दफनाया जाता था उस जगह को क्या कहते हैं। तो उस जगह को कहते हैं वैली ऑफ किंग्स, अगर वैली ऑफ डेथ भी कहीं मिले तो वो भी राइट आंसर है, यहाँ पे वैली ऑफ किंग्स। क्वेश्चन 31 में आते हैं, ग्रैंड गंगाधर पंत गायतोंडे वॉज अ प्रोफेसर ऑफ, ये किस चीज़ के प्रोफेसर थे, आसान सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री, इतिहास के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर गो टू कम्प्लीट कोरा, कोरा को कम्प्लीट करने के लिए लास्ट चैप्टर में कहाँ पे जाते हैं ऑथर, ठीक है। तो राइट आंसर है 32 का सी, रावू वो पहुँचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 33, व्हाट डिड लामो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, लामो ने ऑथर को क्या दिया था फेयरवेल प्रेजेंट के तौर पे। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिप स्किन कोट, भेड़ की खाल का एक बना हुआ कोट ये गिफ्ट में दिया था।
क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। तो मिसेस एस की बेटी जो है, जो ज्यू लड़की थी, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर अपना सामान लेने के लिए कितनी बार गई थी। तो 34 का राइट आंसर है बी, ट्वाइस, दो बार गई थी। क्वेश्चन 35 में आते हैं, द समर ऑफ अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज। तो ये किस देश के ये बच्चे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, आर्मेनियन। आर्मेनिया एक देश है, इस देश की कहानी है और ये दोनों बच्चे आर्मेनिया के रहने वाले थे। क्वेश्चन 36 में आते हैं, हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। तो जो ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स था उसका असली मालिक कौन था। राइट आंसर है जॉन बायरो, जो किसान था, जो रोज शिकायत करता था इसके घर में आके, मोराड के घर में, अरम के घर में, किसका घोड़ा चोरी हुआ है। तो ये जॉन बायरो वो किसान था। क्वेश्चन 37, हु हैज़ बिन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन की जो पड़ोसन थी, जो जादूगर थी, वो उसके फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, भाग्य के बारे में, भविष्य के बारे में बताती थी, उनका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो 37 का राइट आंसर है ए, मिसेस फिजरलड। तो ये उनकी पड़ोसन भी है और जादूगर भी है। क्वेश्चन 38 में है हम लोग, एंड्रयू मैंशन वॉज डैश बाय प्रोफेशन। तो एंड्रयू मैंशन जो था बर्थ चैप्टर में, वो कौन था, एक डॉक्टर था जिसने एक लगभग मरे हुए बच्चे को जिंदा किया था। जब जन्म हुआ था लगा था वो बच्चा मरा हुआ है, स्टिल बॉर्न चाइल्ड है, बट उसने बहुत मेहनत से उसको वापस से जीवित किया था। क्वेश्चन 39 में है, तो क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछता है, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। जो राजा था उसका मुकुट गिर जाता है आर्क, गुंबद से टकरा के, क्योंकि। तो 39 का ए होगा राइट आंसर, द आर्क वॉज बिल्ट क्रुक्ड। जो आर्क था इसको नीचे बिल्ड किया था। अगर आप ये आंसर कह रहे हैं तो ये आंसर गलत है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। राइट आंसर होगा नंबर बी, ठीक है। तो फिर से बता दे, इसका राइट आंसर नंबर बी है, ना कि ए। ए मतलब होता है क्रुक, टेढ़ा मेढ़ा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएम अ टेल ऑफ मेलन सिटी हु वॉज फाइनली हैंग्ड। आखिरकार किसको वहाँ पर फांसी चढ़ाया गया था। तो 40 का राइट आंसर है खुद राजा। तो 40 का राइट आंसर है बी। तो इस प्रकार से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन का तैयारी करना है। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खूब पढ़िए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम लोग इंग्लिश इलेक्टिव का भी मॉडल सेट पेपर यहाँ पे समझाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।